उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है। साथ ही उत्तराखंड की नई फिल्म नीति से आकर्षित होकर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक यहां आ रहे हैं, जिसको लेकर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान हेतु सम्मिलित किया गया है। इसी बीच उन्होंने फिल्म जगत से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और उत्तराखंड की समृद्ध फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दें। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले फिल्म निर्माता और निर्देशक स्थानीय प्रतिभाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने आगामी फिल्मों में अवसर प्रदान कर सकें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसलिए बनाया है ताकि कोई फिल्म शूट करने का रहता है तो एक क्लिक पर उसको सारी सूचना मिल जाए, साइट्स कहाँ हैं, लोकेशंस कैसी हैं, उसके अगल बगल रहने के लिए कोई हमारा होटल रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस है कि नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे टैक्सी के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके डिटेल्स, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी डिटेल्स, पूरा उसका हम लोग एक डायरेक्टरी बना रहे हैं ताकि कोई फिल्म शूट करने आए तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सूचना सब एक जगह मिल जाए। जो नई फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई है उसमें एक तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े, इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपये और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपने यहाँ काम देते हैं तो उसमें हम लोग उनको अलग से सब्सिडी देंगे।